क्या आपको ये अंदाजा भी है कि अभी के टाइम पर इंडिया में कितने सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स डेवलपमेंट में हैं या फिर ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं? और ये सच में हो रहा है क्योंकि आज से 5-6 साल पहले जब हम MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ओर देखा करते थे कि ऐसा कुछ हमको क्या कभी इंडिया में भी देखने को मिलेगा, और आज देखो एक नहीं दो नहीं बहुत सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स डेवलपमेंट में है और एस्टैब्लिश हो चुके हैं, जिनका की टोटल नंबर मिला करके होता है 8 सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी के टाइम पर इंडिया में डेवलपमेंट में है, जिन पर की हम सब पर एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है LCU लोकेश कनकराज सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें कि हम अब तक 3 मूवीज देख चुके हैं। केथी विक्रम लियो, विक्रम मूवी में पहली बार कनेक्शन को बनाया गया था, और इसी यूनिवर्स में हमको आगे भी मूवीज देखने को मिलेगी, जैसे कि केथी 2, विक्रम 2 और रोलेक्स, जो कि एक रोलेक्स की स्पिन ऑफ मूवी होगी, जिसमें कि हमको उसकी ओरिजिन दिखाई जाएगी कि वो इतना बड़ा गुंडा आखिर बना कैसे, और मैं पर्सनली उस पिक्चर के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। इसके बाद जो नंबर 2 पर सिनेमैटिक यूनिवर्स आता है, उसको आप इंडिया का बिगेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स मान सकते हो, क्योंकि उसको इंडिया के बिगेस्ट स्टूडियो YRF ने एस्टैब्लिश किया है, दैट इज YRF स्पाई यूनिवर्स, जिसमें कि अब तक टोटल 5 मूवीज आ चुकी है। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3, जिसमें कि पठान मूवी में पहली बार मूवीज को कनेक्ट किया गया था टाइगर का उसमें कैमियो डालकर, फिर टाइगर 3 में दोबारा से पठान का कैमियो डाला गया, और इस तरह ही ये यूनिवर्स आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद जो इनकी अपकमिंग मूवीज की लिस्ट है वो इस प्रकार है, पहले आएगी वॉर 2, फिर उसके बाद पठान 2, और फिर जाकर के आएगी टाइगर वर्सेस पठान, जिसमें कि ये दोनों लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच में हमको एक फीमेल स्पाई वाली मूवी भी देखने को मिलेगी, जिसमें कि हमको आलिया भट्ट और सरवरी देखने को मिलेगी। तो यस, इनके पास दिखाने के लिए तो अभी बहुत कुछ है। अभी के लिए मैं वॉर 2 के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ऑफ ऋतिक चान है भाई। इसके बाद जो नंबर 3 पर सिनेमैटिक यूनिवर्स आता है, दैट इज अस्त्रवर्स, जिसमें कि अब तक हमको सिर्फ एक ही मूवी देखने को मिली है, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, लेकिन इसमें हमको आगे और भी मूवीज देखने को मिलेगी, जैसे कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव और ब्रह्मास्त्र पार्ट 3, और इसके साथ साथ सुनने में ये भी आया था कि शाहरुख खान के साथ वानर अस्त्र वाले भी एक स्पिन ऑफ मूवी आएगी। अभी के लिए तो मैं इस यूनिवर्स में ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, बाकी तो देखेंगे क्या क्या आता है। इसके बाद जो नंबर 4 पर सिनेमैटिक यूनिवर्स आता है, दैट इज रोहित शेट्टी स्कोप यूनिवर्स, जिसमें कि तक हम 4 मूवीज देख चुके हैं, सिंगम, सिंगम रिटर्न, सिम्बा और सूर्यवंशी, सबके नाम SS हैं। और इस यूनिवर्स में अभी अभी एक सीरीज भी आई थी, डेट इज इंडियन पुलिस फोर्स, वो मैंने नहीं देखी, आई डोंट नो कि वो कैसी थी, जैसे भी हो कमेंट में बता देना। और इस यूनिवर्स में जो हमको अगली मूवी देखने को मिलेगी वो होगी सिंगम अगेन, जो कि इसी साल इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज होगी, जिसके लिए मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ, बाकी तो मूवी आने और इसके टीजर ट्रेलर आने पर बात करेंगे। इसके बाद नंबर 5 पर आता है प्रशांत वर्मा का सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो कि एक सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स होने वाला है, जिसमें कि हमको अब तक एक ही मूवी देखने को मिली है हनुमान, लेकिन इसमें हमको आगे चलकर और भी मूवीज देखने को मिलेगी, जैसे कि हनुमान मूवी का सीक्वल जय हनुमान, फिर इसके बाद अधीरा, एक एक करके ये मूवीज रिलीज होगी और इसी तरह ये यूनिवर्स भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। पहली वाली पिक्चर यानी कि हनुमान बहुत अच्छी थी, उसने बॉक्स ऑफिस पर भी बढ़िया कलेक्शन किया है, तो यस रेडी हो जाओ, ये यूनिवर्स बिगर यूनिवर्स भी बन सकता है। इसके बाद जो नंबर 6 पर यूनिवर्स आता है वो है दिनेश विजांस का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसमें कि अब तक हम 2 मूवीज देख चुके हैं, पहली स्त्री और दूसरी भेड़िया। भेड़िया मूवी में मूवीज को कनेक्ट किया गया था पोस्ट क्रेडिट सीन में। इसके बाद इस यूनिवर्स में जो अपकमिंग मूवीज है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि इसी साल हमको स्त्री 2 देखने को मिलेगी, लेकिन उसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। इसके बाद फिर मूंजा, सुनहरा सुनहरी और फिर वैम्पायर। तो यस, इस यूनिवर्स की मूवीज देखने के लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट और स्टोरी काफी यूनिक और अलग सी होती है, जैसे कि आप स्त्री को ही ले लो या फिर भेड़िया को ले लो। तो अभी के लिए तो मैं इस यूनिवर्स की स्त्री 2 के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन जैसे जैसे मूवीज आएगी हम चैनल पर उनकी बात करते रहेंगे, उसके लिए चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अब तक पहुंच जाएगी। इसके बाद जो मैं आपको आगे 2 यूनिवर्स बताने वाला हूं, उनको लेकर कंफर्मेशन नहीं है कि वो यूनिवर्स बनेंगे ही, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो बन सकते हैं, जिसमें कि नंबर 7 पर आता है भोला सिनेमैटिक यूनिवर्स, अजय देवगन की जो केथी का रीमेक आया था भोला, उसको ऐसे ही ओपन एंडेड छोड़ा गया था और अभिषेक बच्चन वाला वो विलन दिखाया गया था, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आगे जाकर यूनिवर्स बन सकता है या फिर ये एक फ्रेंचाइजी बन सकती है, क्योंकि उन्होंने उसकी एंडिंग को ओपन ही रखा था, और क्योंकि वो केथी का रीमेक है तो जैसे केथी से एक यूनिवर्स बना है, तो मे बी हो सकता है कि भोला से भी एक यूनिवर्स बने, क्या बोलते हो? बाकी तो भाई अजय देवगन के हाथ में है, वो क्या सोचते हैं, उसका क्या करते हैं। वैसे पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कुछ खास चली नहीं थी, तो मे बी वो उसको ऐसे ही छोड़ दे। और इन सब के बाद एंड में जो नंबर 8 पर यूनिवर्स आता है, दैट इज कल्कि यूनिवर्स। जी हाँ, आपको सबको ही पता होगा कि प्रभास की इसी साल एक कल्कि 2898 AD नाम की मूवी आने वाली है, जिसको लेकर रिपोर्ट कुछ ऐसी निकल करके आ रही है कि ये मूवी सिर्फ एक मूवी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि
का एक यूनिवर्स या फिर एक बड़ी फ्रेंचाइजी बन सकती है जिसमें कि बहुत सारी मूवीज प्लांट है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बन सकती है। डिपेंड इस पे करता है कि पहली पिक्चर कितना कमाएगी। 9 मई को पिक्चर रिलीज होगी थिएटर्स में। बाकी इन सब के अलावा भी अगर कोई गलती से मेरे से कोई यूनिवर्स छूट गया हो जो कि इंडिया में ऐसे पनप रहा हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत कहीं से भी अच्छी लग गई हो तो गलती से लाइक कर देना। चैनल पर कहीं से नए आ गए हो जानबूझकर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।